ट्रेंड। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपका फाइनल अकाउंट के बारे में, इसमें हम सीखेंगे आपका ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट के बारे में। तो इसके बारे में जानने के लिए चलो अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। अब हम सीखते हैं आपका फाइनल अकाउंट, इन अकाउंटिंग कैसे हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फाइनल अकाउंट्स आपके होते हैं। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, जर्नल एंट्री के बाद हम आपका लेजर बनाते हैं, और लेजर बनाने के बाद हम आपका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपके फाइनल अकाउंट बनते हैं। जो आपका ट्रायल बैलेंस बनता है वो इसलिए बनता है कि हम अपने अकाउंट्स की मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक कर सकें, यानी कि दोनों साइड इक्वल आने चाहिए आपकी ट्रायल बैलेंस। उससे हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है, जो भी हमने अकाउंट्स अपने बनाए हैं उनकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है, और उनसे हम क्या बना रहे हैं, आपका फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो जो ये फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं आपकी ये जानने के लिए कि हमारे बिज़नेस में कुछ हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है इस साल में, जो हमने क्योंकि जो बिज़नेस होगा वो वन ईयर में हम क्या करते हैं, अपना अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, और उसमें हम जान रहे हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस, और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है बिज़नेस की, इन सबको जानने के लिए हमारे फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं। अब फाइनल अकाउंट जो बनते हैं वो साल के एंड में बनते हैं, फिस्कल ईयर, यानी कि आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा तो ये 31 मार्च को जो एंड होगा साल, वहाँ पर ये आपके बनाए जाएंगे। ये हमें एक प्रिसाइज फाइनेंशियल पोजीशन देती है बिज़नेस की, हमारे बिज़नेस की स्थिति कैसी है, इसकी कंडीशंस क्या हैं, ये जानने के लिए हमारा फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जा रहा है। अब इस फाइनेंशियल स्थिति की ज़रूरत कई लोगों को होती है, जैसे कि हमारा ओनर होगा वो मालिक देखेगा, उसके अलावा मैनेजमेंट देखेगा उसमें कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज चेक करें कि अगर किसी ने हमारी बिज़नेस में पैसा लगा रखा है, शेयर होल्डर्स हो गए वो देख सकते हैं आपके, उसके अलावा आपका बैंक हो गया, बैंक भी देख सकता है आपका, उसके अलावा गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट भी देखती है हमारे फाइनल अकाउंट्स को क्योंकि उसको टैक्स लेना है। तो इन सब लोगों को क्या करता है, क्या ज़रूरत पड़ती है, हमारे अकाउंट्स को एक प्रिसाइज फॉर्म में देखने की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, आपका फाइनल अकाउंट बनाते हैं। अब जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं, और वो 3 पार्ट होते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमारे फाइनल अकाउंट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहला पार्ट है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पार्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा पार्ट है आपका बैलेंस शीट। और इन सबको बनाने के लिए कुछ फॉर्मेट हैं, उन फॉर्मेट को हमको बनाना पड़ेगा, और उनका एक लेआउट है उसको हमें समझना पड़ेगा, जिस अगर हम उसको समझ लेंगे तो हम उसको ढंग से पोस्ट कर पाएंगे उन अकाउंट को उनकी जगह। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका एक फॉर्मेट बनेगा, सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी साल का एंड हो रहा है उसमें हम लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जिस साल में वो एंड हो रहा है। अब इसका जो फॉर्मेट होगा उसकी 2 साइड होंगी आपकी। अब एक तरफ हमने डेबिट लिखा है, एक तरफ हमने क्रेडिट, वैसे इसको लिखा नहीं जाता, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट बोलते हैं, जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसमें हम क्या लिखते हैं 2, और राइट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं बाय। अब जब हम शुरुआत करेंगे इसको बनाने की तो सबसे पहले उसमें हम लिखते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है, यानी कि जो स्टॉक हमारा बच गया, जो हमारा माल नहीं बिका, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक, और इस साल के लिए वो क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक को हम इसमें सबसे पहले लिख देंगे। फिर आपका आता है परचेजेस, परचेजेस वो सामान जो सामान हमने इस साल खरीदा उसको भी हम इसमें लिख देंगे, और उसमें से आपका माइनस क्या होगा, रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि वो सामान जो हमारा वापस चला गया, या फिर परचेज रिटर्न, यानी कि हमने खरीदा हमको पसंद नहीं आया, कोई इसमें कमी थी तो उसको जो वापस कर दिया गया उसको भी इसमें लिखा जाएगा, और बाहर फिर हम एक अमाउंट लिख देंगे इनमें से, इसमें से माइनस करके परचेज रिटर्न की। तो इस तरह से हमारी परचेज की एंट्री इसमें आ जाएगी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम लिखते हैं इसमें वेजेस, वेजेस यानी कि कहाँ दी जाती है आपकी फैक्ट्री में। अब जो इसमें हम चीज़ें लिख रहे हैं हम वो चीज़ें लिख रहे हैं जो कि हमारी कहाँ यूज़ हो, कहाँ होती हैं आपकी फैक्ट्री में। तो हमारे फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस किस में आएंगे आपके, आपके आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम चीज़ें लिख रहे हैं वो क्या है, हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो ये बात भी याद रख लें आप कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम फैक्ट्री के एक्सपेंसेस या फिर वो चीज़ें जो सेल तक की हैं, सेल तक की सारी चीज़ें हमें किस में लिखनी है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, सेल तक के हमारे खर्चे,
और हमारी सेल तक की जो भी चीज़ें हैं उनको हमने किस में लिखना है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। फिर आपका आता है कैरेज और कैरेज ऑन इन कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो भी हमारे परचेज करते टाइम जो भी हमने माल भाड़ा दिया है वो भी हम इसमें ही लिखते हैं आपका, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है कैरेज ऑन परचेज, ये भी आपका कैरेज का ही नाम है। आपका गैस फ्यूल एंड पावर वो कहाँ लगता है आपका, वो भी आपका फैक्ट्री में लगेगा। फ्रेट ऑक्ट्राई एंड कैरेटेज, ये सब भी आपका हम किस में जोड़ते हैं, परचेज के टाइम हमने खर्चा किया, फ्रेट दिया, ऑक्ट्राई चुंगी दी, कार्टेज दी, कार्टेज मतलब पैसा दिया उसको सामान सामून उठा निकालने का, ये सब कार्टेज हो गया आपका लाने का। तो जो भी ये खर्चे हैं आपके किस में लिखे जा रहे हैं, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी आपके इसी में आएंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं उसमें, ये आगे भी आपका फॉर्मेट है, इसमें भी हम देखते हैं जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस हो गए, फैक्ट्री एक्सपेंस को भी इसमें लगे क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे हम सारे यहाँ लिख रहे हैं, तो फैक्ट्री लाइटिंग भी यहीं आएगी, फैक्ट्री रेंट, डॉक चार्जेस। डॉक चार्जेस क्या होते हैं आपके, जब हम शिप जहाँ पे आपके पानी के जहाज आते हैं वहाँ से जब सामान को छुड़ाया जाता है तो वहाँ पे आपको क्लियरिंग चार्जेस या डॉक चार्जेस लगते हैं, तो उनको भी आपको यहीं पे लिखना है। इम्पोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी यानी कि अगर हम दूसरे देश से सामान मंगा रहे हैं और उस सामान को अपने यहाँ मंगा रहे हैं तो उसमें क्या लगेगी, आपकी इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो ये टैक्स है, इसको भी हम अपना खर्चा लिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होती है आपकी, रॉयल्टी बेसिकली जैसे कि मान लो हम एक पब्लिशर है, हमने एक बुक छापी तो उस बुक छापने के लिए जो हमें उसके जो ऑथर है उसको जो पैसा देना पड़ेगा दैट्स अ रॉयल्टी फॉर अ पब्लिशर। तो इसको एक पैसा बांधना पड़ेगा। मान लो हमारी ये कोल माइन है, एग्जांपल एक है कि हमारी ये कोल माइन है, हम कोल निकालते हैं और अगर उस कोल को निकालने के से हम जो रेवेन्यू आता है उससे का कुछ पार्ट हमें किसे देना पड़ेगा, जो उस कोल की माइन का जो ओनर है, जो उसका लैंड का मालिक है उसको, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रॉयल्टी हो जाएगी जो उसको देनी है। अब इसकी दूसरी तरफ आते हैं हम, जो दूसरी साइड है इसकी वो है क्रेडिट साइड, जिसमें हम क्या लिखते हैं, एक तो सेल्स लिखते हैं और सेल्स रिटर्न लिखते हैं, दूसरा नाम क्या है उसका, रिटर्न इनवर्ड, ठीक है, इसको इस तरफ लिखा जाता है। और फिर इसमें आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो सामान हमारा बच गया है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब इसको लिखने की भी एक कंडीशंस होती हैं वो हम समझ लेंगे, लेकिन ये आपका तब यहाँ लिखा जाएगा जब ये एडजस्टेड नहीं होगा। जब एडजस्टेड नहीं होगा ये ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो हम इसको क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं कि अब इसकी ना एक डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब हम इसमें जो भी अमाउंट आएगी, अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी होती है तो हम ना उसको नीचे लिख देंगे, दोनों साइड डेबिट साइड बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, इस साइड लिख देंगे, क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो हम इसको क्रेडिट साइड में, यानी कि अगर सेल्स की साइड बड़ी आई तो इसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर, अगर डेबिट साइड है नीचे। अब दोनों अमाउंट हमने दोनों तरफ मतलब लिख देंगे, जो भी साइड बड़ी होगी ना उसका अमाउंट नीचे लिख देंगे। अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आती है तो हमें क्या हो जाएगा, ग्रॉस लॉस हो जाएगा, यानी कि खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम होगी, तो हमें ग्रॉस लॉस, जिसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, आपका पीएल में करेंगे। और आपकी अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ गई तो हमें क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, और इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये क्रॉस ट्रांसफ़र होंगे आपके, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होंगे, जब ये नीचे जाएंगे तो क्रॉस जाएंगे आपके, ठीक है। ये कैसे जाएंगे आपके, क्रॉस, ठीक है। तो ये आपके कैसे जाएंगे, आपके क्रॉस जाएंगे, मैं बता देता हूँ किस तरह से क्रॉस जाएंगे। ये ना ऐसे जाएंगे नीचे, ये इस तरफ को जाएगा, ये इस तरफ को जाएगा, तो ये आपके क्रॉस नीचे जाएंगे जब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ये क्रॉस करके आपके नीचे चले जाएंगे। अब हम इनको देखते हैं कैसे, अब हमारा फॉर्मेट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसमें भी हम ये लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी साल होगा वो लिख देंगे। इसमें भी दो साइड होती हैं आपकी, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड में हम खर्चे लिखेंगे, क्रेडिट साइड में हम इनकम लिखेंगे। इसमें हम सारे के सारे अपनी ऑफिस के खर्चे या ऑफिस की इनकम या फिर हमारी इनडायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं उनको, इनको ऊपर जो थे हमारे उनको क्या बोलते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम, इसको हम बोलते हैं आपका इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों इसमें आ गए। तो इस तरफ हम एक्सपेंसेस लिखते हैं, इस तरफ आपके एक्सपेंसेस आएंगे। यहाँ पर मैं एक बार पेन ले लेता हूँ, इस तरफ आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस आएंगे और इस तरफ आपकी सारी की सारी इनकम आएंगी। अब जो हमने क्रॉस किया था, अगर इस तरफ आएगा तो हमारा ग्रॉस लॉस हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से हमने ऊपर से क्रॉस ट्रांसफ़र किया है, इस तरह से वो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, तो यहाँ पर आपका अगर आता है तो ग्रॉस लॉस होता है, इस तरफ आता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, और आगे लिख देंगे ब्रॉट डाउन, क्योंकि ऊपर से आए हैं क्रॉस होकर, ठीक है। अब इस तरफ देखते हैं हम, डेबिट साइड में जाते हैं इसकी। सबसे पहले हमारी क्या आती है, सैलरी। सैलरी हमारा ऑफिस का खर्चा है। फिर सैलरीज एंड वेजेस, सैलरी पे ज़्यादा एम्फेसिस दिया है हमने, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके किसके खर्चे होंगे, आपके
ऑफिस के ही खर्चे होंगे। रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस भी आपके यहीं लिखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी आपके यहीं आती है। मोबाइल और टेलीफोन एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस यानी कि आपके कोर्ट कचहरी के जो भी एक्सपेंसेस हो गए, ऑडिट फीस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ऑडिट फीस दी जाती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, घूमने के खर्चे जो भी आ गया आपके, आप दूसरे जगह जाके आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उन सबके जो खर्चे होंगे आपके उसमें आएंगे। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट के खर्चे, ट्रेड एक्सपेंस जो भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस रोजमर्रा के खर्चे जो भी हो रहे हैं, कैरिज ऑन सेल्स। अब जैसे कि हमने ऊपर लिखा था कैरिज ऑन परचेज, तो कैरिज ऑन सेल्स आपका नीचे आता है। कैरिज आउटवर्ड भी आपका यहाँ आता है, इसका दूसरा नाम आपका कैरिज आउटवर्ड भी है, वो भी यहाँ आएगा। चैरिटी और डोनेशन, अगर हमने किसी को कुछ चैरिटी दी है या फिर किसी को कुछ डोनेशन दिया है तो उसको भी हमारा एक खर्चा इस तरफ लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका यहीं आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है आपका, बेसिकली मालिक ने बिजनेस से पैसा लगाया तो उस पर एक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, ठीक है, बार बार वो निकालेगा, ठीक है। मतलब मालिक ने क्या करा, बिजनेस में पैसा लगाया है, सॉरी मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उसको बिजनेस एक इंटरेस्ट देगा, तो वो बिजनेस के लिए खर्चा हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। उसके अलावा आपका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, ये भी ऑफिस से होगा। कमीशन हमने किसी को दिया है वो भी ब्रोकरेज, ये ब्रोकरेज होगा, ब्रोकरेज नहीं होगा, ब्रोकरेज होगा। बैड डेब्ट्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ड्यूटी आपकी किस में आती है, ट्रेडिंग में, जहां पर एक्सपोर्ट आ जाएगा वो किस में आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में। पैकेजिंग चार्जेस, कुछ पैकेजिंग की है उसके खर्चे यहीं आएंगे आपके। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर हमारी कोई एसेट है हमने उसको बेचा जो उसकी बुक वैल्यू है उससे वो कम में बिक गई तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। डिस्काउंट, अब इस तरफ क्या आएगा आपका, डिस्काउंट अलाउड होगा, ये बेसिकली इस तरफ क्या आएगा आपका, डिस्काउंट। रिपेयर्स, कुछ भी रिपेयर्स का खर्चा दिए। डेप्रिसिएशन, कुछ अपने सामानों पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया है तो उसको भी ये लिखेंगे। बैंक चार्जेस, बैंक अगर हमारे पे कुछ चार्ज लगाता है तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। कन्वेंस, कन्वेंस यानी कि रोज भी हम लोकली घूम रहे हैं उसका खर्चा भी इस तरफ आएगा। अब हमारी सेल के अलावा भी कुछ बिजनेस इनकम करता है उसको हम किस में लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो सेल होती है वो तो आपकी किस में आ जाती है, ट्रेडिंग में आ जाती है, लेकिन सेल के अलावा जो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो रही है बिजनेस को उसको हम किस में लिखते हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब हम इसको देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले तो अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इस तरफ आएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आएगा, इनकम इधर आती है। रेंट फ्रॉम टेनेंट, अगर हमें कहीं से कुछ रेंट मिल रहा है, मान लो हमारा एक ऑफिस है उसमें से हमने एक बिल्डिंग किसी को किराए पे दे दी, एक रूम या कोई एक एरिया, तो उसका जो रेंट मिल रहा है वो हमारे लिए इनकम होगी। डिस्काउंट क्रेडिट में लिखा है यानी कि डिस्काउंट रिसीव भी यहीं आता है। कमीशन हमको मिला ही है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उससे हमें कोई इनकम होगी, कंपनी ने कुछ शेयर्स ले रखे हैं जो हमारा बिजनेस है उससे जो हमें इनकम होगी वो भी यहीं आएगी। बैड डेब्ट रिकवर, एक्सक्यूज मी, बैड डेब्ट जो हमने पैसा सोच लिया था जो मर गया है अगर हमको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बैड डेब्ट रिकवर हो जाएगा तो इनकम। अप्रेंटिस प्रीमियम, अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है, जैसे कि हमने किसी को ट्रेनिंग दी किसी दूसरी कंपनी के वर्कर्स को और उनसे कुछ हमने क्या ले लिया, उस कंपनी से कुछ पैसा ले लिया, तो दैट्स बेसिकली एन इनकम फॉर अस, तो दैट्स अप्रेंटिस प्रीमियम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, कोई हमने एसेट बेची और हमें उसमें फ़ायदा हो गया, जो प्रॉफिट होगा उसका हम उसको यहाँ लिख देंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, बिजनेस की किसी और सोर्स से इनकम हो रही है बिजनेस के मेन पॉइंट, बिजनेस के अलावा, तो वो भी हम यहाँ लिखेंगे। मिसलेनियस रिसीव, छोटी मोटी इनकम हो गई हमारी, कुछ छोटी मोटी कुछ हमने स्क्रैप बेच दिया, कुछ बेच दिया, वो सब किस में आ जाएगा का, मिसलेनियस रिसिप्ट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला, बार बार बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उस पर हम एक इंटरेस्ट लगा देंगे, उसे क्या बोलेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो भी बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी। इसकी भी दो साइड है आपकी, डेबिट और क्रेडिट, अगर डेबिट साइड बढ़ी होगी तो हमें नुकसान हो जाएगा, क्रेडिट साइड बढ़ी होगी तो हमें फ़ायदा होगा। अब हम देखते हैं इसमें आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी आपकी, ठीक है। तो ये था हमारा, तो अगर हमारी डेबिट साइड बढ़ी होगी तो हमें नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या कर देंगे, नेट प्रॉफिट, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, तब हमारा इसमें आ जाएगा टू नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और अगर क्रेडिट साइड बड़ी हो जाती है हमारी तो हमको क्या आ जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा, और हम यहाँ क्या लिख देंगे आपका, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि दोनों चीज़ों को हम कैपिटल, मालिक की कैपिटल में या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, ठीक है। और उसके लिए हम क्या बनाएंगे आपका, बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में आपकी क्या लिखी जाएगी, कैपिटल, मालिक ने बिजनेस किया उसमें कैपिटल लगाई, अब उसकी कैपिटल में या तो नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा या अगर नेट लॉस होगा तो उसके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसको आगे देखते हैं बैलेंस शीट में। अब ये हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, लेकिन इसमें आपका क्या होता है, अभी तक हम देख रहे थे जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो डेबिट थी और राइट हैंड साइड थी वो क्रेडिट थी, लेकिन बैलेंस शीट में आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्रेडिट हो जाएगी, जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है वो डेबिट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड में हम लायबिलिटीज लिखते हैं आपकी और
आपकी राइट हैंड साइड में हम एसेट्स लिखते हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? आवर ऑब्लिगेशन टू पे, जो हमको पे करना है। सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं आपका बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक हमारी लाइबिलिटी है। क्यों? क्योंकि हमने बैंक से एक वो ले रखी है, एक मतलब एक तरीके की एक फैसिलिटी ले रखी है कि जिसमें बैंक हम पे जीरो बैलेंस पे भी कुछ हम वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो दैट्स बेसिकली ए लाइबिलिटी की बैंक को वापस करना। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या हो गया आपका? जो भी बिल हमने साइन करके दिए हैं पार्टी को, तो उसको हमें पैसा देना, हमारा क्या हो जाएगा? एक लाइबिलिटी जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे हमने उधार सामान खरीदा है, दैट्स ऑल्सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमने नहीं दिए, दैट्स ऑल्सो लाइबिलिटी। अनअर्न्ड इनकम, जिसका हमको पैसा मिल गया लेकिन हमने काम नहीं किया, तो वो काम करना हमारी क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी। लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स। अब ये जो हमने मैंने लाल कर रखा, ये हमारे ना करंट लाइबिलिटीज़ हैं। करंट लाइबिलिटी यानी कि हमारे को हमें जल्दी से जल्द विद इन अ ईयर पे करनी है। ये जो हमारी लाइबिलिटीज़ होंगी, ये क्या होंगी? करंट लाइबिलिटीज़। जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं उसको हम लॉन्ग टर्म में वापस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? कुछ पैसा जो हम बिजनेस से बचा के रखते हैं आने वाली अननोन लाइबिलिटीज़ के लिए, तो वो भी हमारा क्या है? एक तरीके से पैसा रिजर्व है, वो भी हमारी लाइबिलिटी में आता है। कैपिटल, कैपिटल मालिक का पैसा हो गया। ड्राइंग्स, उसमें से हम लेस कर देंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा? नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे मालिक की कैपिटल में, नेट लॉस होगा तो उसमें से माइनस कर देंगे। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका ऐड होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका माइनस हो जाता है। मालिक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक को दिया जाता है, इसलिए उसकी मालिक में ऐड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मालिक से लिया जाता है, उसकी कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आती है आपकी एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है हमारी? एसेट्स हमारी होती है जिस पे हमारे कंट्रोल राइट्स होते हैं या जिसको हम ओन करते हैं, और आने वाले टाइम में जो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देती हैं, लाइक जैसे कि कैश। कैश हमको इकोनॉमिक बेनिफिट देता है। बिल रिसीवेबल, हमको पैसा मिलना है, ठीक है, किसी ने किसी बिल साइन करके हमने ले रखा है तो वो हमको पैसा देगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं आपके? सन्ड्री डेटर्स जिनको हमने सामान बेचा है और उनसे हमें कुछ टाइम बाद पैसा मिल जाएगा, तो एक ग्रुप है सन्ड्री डेटर्स, सभी डेटर्स आ जाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो हमने क्या कर रखे हैं आपके, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं छोटे समय के लिए, वो भी हमारे इसमें। क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, वो भी हमारे लिए एसेट है, उसको उससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे हमने पहले दे दिए हैं, वो भी हमारे लिए क्या हो जाते हैं आपके? एसेट्स हो जाते हैं। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होती है? जो जिसके लिए हमने काम तो कर दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला है, ठीक है, जिसके लिए हमने मान लो हमने एक टेबल बनाई, टेबल बना के दे दी लेकिन उसके पैसे नहीं मिले हमें, तो वो क्या होगी हमारे लिए? इनकम जो हमको मिलनी है वो क्या हो जाएगी हमारे लिए? अक्रूड इनकम। ये सब हमारी क्या होती है? करंट एसेट्स। अब हमने एसेट्स को, इसको भी मैंने लाल कर रखा है, तो इसलिए इसमें किस में आएगा आपका? करंट एसेट्स में। अब करंट एसेट्स क्या होती है? करंट एसेट्स का मतलब जिसको हम विद इन अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारी क्या हो जाती है आपकी? करंट एसेट्स, ठीक है। अगर हमें कैश की जरूरत पड़ेगी तो हम कहाँ देखेंगे? कैश देखेंगे, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो जिसको हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें आपका फर्नीचर आता है। फर्नीचर आपका हमारा फिक्स एसेट होता है, लूज टूल्स होता है, मोटर व्हीकल होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी होती हैं। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग भी होती है आपकी, इसमें लिखी नहीं गई है, तो उसमें एक लैंड एंड बिल्डिंग भी होगी, वो भी आपकी किस में आएगी? आपकी एसेट्स में आएंगी। ये सब हमारी एसेट्स हैं। उसके अलावा पेटेंट्स एंड गुडविल। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट बेसिकली जब कंपनियां क्या करती हैं ना, कोई रिसर्च करती हैं, कोई डेवलपमेंट करती हैं, तो कोई एक प्रोडक्ट बना लेती हैं, तो उसका वो पेटेंट करा लेती हैं, तो जो भी इसमें खर्चे आते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? आपके पेटेंट। उसकी फीस भी होती है पेटेंट की, तो वो सब किस में लिखेंगे हम? पेटेंट में। गुडविल क्या होती है? कंपनी ने जो भी अपना नाम कमाया है एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, तो उसको हम एक गुडविल अकाउंट से खोलते हैं, है ना, तो एक गुडविल का भी एक अलग अकाउंट बनेगा, तो गुडविल उसमें लिखी जाती है। अब गुडविल को कंप्यूट करने के फॉर्मूलाज होते हैं, उस फॉर्मूलाज से हम क्या करते हैं? आपका गुडविल निकाल देते हैं। अब हमारी जो बैलेंस शीट होगी इसमें दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल आ रही है तो हमारी बैलेंस शीट हमारी बनकर तैयार है। तो आज हम सीखे आपका बैलेंस शीट बनाना। इसके नेक्स्ट पार्ट में अब हम सीखेंगे इसमें कोई क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं आपका ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, उसको अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।